अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमास किचन। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी पोटैटो फ्राइज। चलें देखते हैं किन अज़ा की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो आलू है जिनको इस तरह मैंने फिंगर में काट लिया है। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसमें हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून सौंफ कुटी हुई, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। और ये मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने दो दो पीस कर लिए हैं, 2 अदद नींबू का रस जाएगा और हाफ कप ऑयल। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। चूल्हा मैंने जला लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप ऑयल। ये हाफ कप ऑयल चला गया, ये आलू मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसकी लो टू मीडियम आंच करूंगी और इसको इसमें पकने दूंगी। अब इसको मैं ऊपर नीचे करूंगी ताकि सारा ऑयल इसको लग जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे आलू पकना शुरू हो गए हैं। अब इसको मैं कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। दरमियान में मैं चम्मच ज़रूर चला के ऊपर से नीचे करूंगी। ये इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। ये 1 मिनट हो चुका है, मैं इसको ढक्कन हटा के चम्मच चला लूंगी इसमें। अब फिर इसको कवर कर दूंगी। हमने 3 मिनट के लिए इसको पकाना है कवर करके, लेकिन 1-1 मिनट बाद हमने चम्मच ज़रूर इसमें चलाना है ताकि ऊपर के नीचे, नीचे से ऊपर आलू कर लें, वरना वो नीचे जो होंगे वो सारे जल जाएंगे, इसलिए हमें चम्मच चलाना ज़रूरी है। ये 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको कवर करके पकाया। अब ये देखिए, अब हम इसको 1 मिनट इसी तरह करेंगे फ्राई कवर करने के बगैर, ताकि इस पर हाँ थोड़ा सा कलर आए और आलू भी हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, ये देखें गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। अब ये ऑयल जो है इसमें से मैं निकाल लूँगी। ऑयल मैंने इसका निकाल दिया है, बस 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल रह गया है। बाकी अब ये मैं क्या करूँगी, ये सारे जो मसाले हैं इनको मैं मिक्स करूँगी। ये सारे मसाले मिक्स हो गए, अब मैं इसके ऊपर डालूँगी जितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं उतना आप डाल दें। मैंने मसाले डाल दिए इसमें, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से नीचे करूंगी ऐसे। ये देखें मसाले सारे इसके ऊपर लग गए हैं। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 2 अदद नींबू का रस। इसमें 2 नींबू का रस भी चला गया। ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जो मैंने दो दो पीस कर लिए थे, और ये हरा धनिया। इसको फिर हम ऊपर से नीचे करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। मसाला थोड़ा इसमें और डालूंगी ताकि चटपटे से बने, ज़्यादा स्पाइसी मुझे पसंद है, मैं इसमें मसाले और डाल दूंगी। लीजिए व्यूवर्स, ये हमारे स्पाइसी पोटैटो फ्राइज़ बिल्कुल तैयार हैं। इसको डिश आउट करते हैं। व्यूवर्स, ये हमारे स्पाइसी पोटैटो फ्राइज़ बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के चटपटे हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।